स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय ये है कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। आप लोगों ने बहुत बार इस टर्म को सुना होगा, इन शब्दों को सुना होगा कि संज्ञेय अपराध क्या है और असंज्ञेय अपराध क्या है। आपने जो सुना ही होगा कि लोग ये कहते हैं कि उस व्यक्ति ने संज्ञेय अपराध कर दिया है या असंज्ञेय अपराध किया है, यानी कि इंग्लिश में अगर समझा जाए तो कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय और नॉन कॉग्निजेबल यानी कि असंज्ञेय अपराध। तो अपराध को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस और असंज्ञेय अपराध यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इस अपराध के इन दो शब्दों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह किस प्रकार से प्रभावी होता है और किस प्रकार से पुलिस इसमें कार्रवाई करती है। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको कानून से संबंधित लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहें और आप कानून सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, कानूनी भाषा में अपराध को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है उनके नेचर के हिसाब से, यानी कि अपराध के घटित होने के प्रकृति के आधार पर अपराध को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। पहला होता है संज्ञेय अपराध और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। तो सीआरपीसी की धारा 2 के अंतर्गत इन दोनों अपराध के श्रेणियों को बताया गया है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। जो गंभीर प्रकृति के मामले होते हैं जिसमें मारपीट, गंभीर रूप से मारपीट यानी किसी का सर फोड़ देना, हत्या कर देना, बलात्कार करना, बड़ी से बड़ी चोरी करना यानी कि बहुत बड़ी डकैती करना, या फिर कुछ ऐसे मामले जो देश के विरुद्ध हों, इस प्रकार के मामले जो संज्ञेय यानी जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं उनको हम लोग संज्ञेय अपराध कहते हैं, और जिसमें सजा होती है 3 साल मिनिमम होती है और मैक्सिमम 20 साल, 14 साल, 10 साल, 7 साल या फिर आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड, यहाँ तक की सजाओं को हम लोग संज्ञेय अपराध की श्रेणी में दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, जज दे सकते हैं। तो ये गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। अब आते हैं कि असंज्ञेय अपराध किसे कहते हैं। जो कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं, से मामूली विवाद कर लेना, झगड़ा कर लेना, किसी के साथ गाली गलौज कर लेना, जिसमें कम गंभीर चीज़ें आती हैं, कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और जिसमें मैक्सिमम सजा 3 साल होती है और मिनिमम 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 6 दिन, जिस तरीके से वह मामला कोर्ट में जाए और जो मजिस्ट्रेट या फिर जज उसको सजा दे, तो इसमें बहुत बड़ा गंभीर मामला नहीं होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग असंज्ञेय अपराध कहते हैं। अब क्या होता है कि अब पुलिस इसमें किस प्रकार से कार्रवाई करती है। तो संज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के भी जो अभियुक्त होता है उसको गिरफ्तार कर सकती है, उसको किसी भी समय गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन असंज्ञेय अपराधों में पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। उसमें पुलिस को वारंट कोर्ट से लेना पड़ेगा, इश्यू कराना पड़ेगा, तभी जा करके वह अपराधी को या फिर अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपने जाना कि संज्ञेय अपराध क्या होता है और असंज्ञेय अपराध क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।